हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि मैं अपलोड करूँ लेटेस्ट वीडियो तो आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। वट कुड बी द रीज़न फॉर द फॉलोइंग? दोस्तों, क्या कारण है ये सब जब होता है, प्रक्रिया होती है, तो क्या कारण है, ऐसा होता है क्यों? तो फर्स्ट इज, अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कोई भी रुकी हुई चीज क्यों नहीं अपना जगह चेंज करती है ना, मूवमेंट क्यों नहीं करती है जब तक ले हम उस पर विदाउट कोई बाहरी फोर्स ना लगाते तक ले, क्यों अपने आप वो अपना प्लेस चेंज क्यों नहीं करती है? ठीक है। सेकेंड इज, द फोर्स विच इज सुफिशियंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल इज नॉट सुफिशियंट टू लिफ्ट द टेबल। ओके, तो क्या होता है ऐसा, ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई बुक होता है टेबल पर रखा होता है, हम वो नहीं बुक उठा लेते हैं, लेकिन टेबल को हम उस फोर्स से नहीं उठा पाते हैं। ठीक है। तो थर्ड इज, फ्रूट ऑन ट्री फॉल डाउन व्हेन इट इज ब्रांचेस आर शेकन। ऐसा क्यों होता है कि जब हम टहनी को हिलाते हैं तो उसमें लगे हुए फल नीचे गिर जाते हैं। ठीक है। फोर्थ इज, एन इलेक्ट्रिक फैन किप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम व्हेन इवन आफ्टर इज स्विच ऑफ। ऐसा क्यों होता है कि जब पंखा हम बंद करते हैं तो पंखा बंद होने के बाद भी कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए क्या होता है, पंखा रोटेट करते रहता है, वो घूमते ही रहता है वैसे ही। ओके, तो क्या कारण है? वी लुक फॉर सम रीजन फॉर द अबव। हम कुछ रीजन इसे पता कर रहे थे क्योंकि हमें पता है कि वी रियलाइज दैट द ऑब्जेक्ट हैव अ सम इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कुछ इनर्शिया होता है ना। वी हैव लर्न दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इनर्शिया किससे रिलेटेड रखता है? मास से। जो भी वो ऑब्जेक्ट है, जो भी वो चीज है, उसके मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब दिस वेरी प्रॉपर्टी एंड इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए इसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर डिपेंड है और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑल इंस्टेंस ऑफ इनर्शिया आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये सारे जो एग्जाम्पल ऊपर हैं वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बेस पे डिपेंड है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसमें क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिया, किस तरह काम करता है उनका न्यूटन्स के लॉ, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे दिया है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इसको हम अच्छे समझेंगे। यू मस्ट हैव प्लेड टग ऑफ वॉर, है ना। जो आपने रस्सी खींच तो बचपन में खेली होगी। सो लॉन्ग एज फोर्स अप्लाइड बाई बोथ द साइड्स आर इक्वल। अब क्या होता है, जब बचपन में हम खेलते हैं तो दोनों साइड दो टीम होती है, एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। अगर दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, वो आप ना हिलो डिलोगे नहीं, ठीक है, ना आप उधर जाओगे ना आपके फ्रेंड इधर आएंगे। सो दैट इज मीन्स द बैलेंस है ना, बैलेंस आपके दोनों जन के जो टीम है उनके फोर्स में क्या है, बैलेंस है। द सेंटर ऑफ द ड्रॉप इज स्टैटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कितना भी आप अप्लाई उस पर फोर्स करते हो, लेकिन वो क्या होता है, रोप रस्सी है, स्टैटिस्ट होती है, मतलब रुकी हुई होती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम अनइक्वल, लेकिन जब एक साइड में फोर्स ज़्यादा लगेगा तब जा करके वो क्या होता है, डैट इज अनबैलेंस हो जाता है। मतलब क्या होता है कि आप उस तरफ खींचे चले आते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप जितना फोर्स लगा रहे उससे अधिक जब फोर्स लगेगा तो वो उस साइड खींचे चले आता है, उस दिशा में चले आता है ना। अ नेट फोर्स गेट अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स एंड द सेंटर ऑफ द रोप शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। जब एक साइड में ज़्यादा डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अधिक फोर्स लगता है तो क्या होता है, उस सेंटर से वहाँ से आप उस दिशा में खींचे चले जाते हो। ठीक है ना। एग्जाम्पल में कहूँ तो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज है ना रेस्ट और स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन में तब तक होती है जब तक ले वो उस पर कोई बाहरी फोर्स लगता नहीं हो, है ना। बाहरी से फोर्स कोई लगेगा नहीं तब तक ले वो अपने पोजिशन, वो
और रेस्ट में ही रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। वेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में एज अ अलॉन्ग एज ए स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब ये नहीं कि वो है रेस्ट में तो इसके मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं है। यस, उस पर फोर्स लगता है, बट क्या होता है कि बाहरी फोर्स कई सारे होते हैं, बहुत सारे बाहरी फोर्स लगते हैं, एक्चुअल देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, बहुत सारे फोर्स उस पर काम करते हैं, बट क्या होता है वो एक दूसरे को कैंसिल करने की वजह से उन पर जो फोर्स लगता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। बट दे कैंसिल वन अनदर सो दैट द नेट फोर्स इज जीरो, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ना, तो क्या होता है वो जीरो हो जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ द इनर्शिया, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही हमें इनर्शिया के बारे में बताता है। दैट इज क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, है ना। कभी भी कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट कभी भी अपने आप ओन खुद से ही अपना पोजीशन चेंज कभी कर सकती नहीं है, जब तक ले उस पर बाहरी कोई अनबैलेंस फोर्स ना एक्ट हो, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन द अनबैलेंस फोर्स विच कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये हमारा था दोस्तों न्यूटन के फर्स्ट लॉ, कि कोई भी चीज़ अपने आप हिलती नहीं जब तक ले उस पर बाहरी फोर्स लगता नहीं है। सेकेंड लॉ है न्यूटन, सेकेंड लॉ क्या कहता है देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उसके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि इसमें सेकेंड लॉ में कैसे है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक एंड वन रबर बॉल फ्रॉम द सेम हाइट, अपने मित्र को कहो कि एक रबर बॉल और एक प्लास्टिक बॉल को एक हाइट से नीचे गिराए और बाद में क्या बोलो उसको तुम कैच करने की कोशिश करो, क्या आप कैच इजिली कर पाओगे। दोस्तों जो प्लास्टिक की बॉल है हम उसको इजिली कैच कर लेंगे लेकिन रबर की बॉल को इजिली कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड एट योर स्लो स्पीड, अब वही बॉल को तुम अपने मित्र को बोलो कि तुम्हारे सामने से भेजे फेंके, तुम्हारे सामने से फेंके और उसको कैच करो, ओके क्या होगा। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो द सेम, तो इजली स्लो है तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। नाउ लेकिन स्पीड में करने बोल रहे हैं कैच करने बोल, तो क्या हम इजली पकड़ पाएंगे, नो हमें मुश्किल होगी पकड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एंड और मास पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा मास और फास्ट वेलोसिटी है तो हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और स्लो होगा तो कैच कर लेंगे अगर, ठीक है। सेम एग्जैक्टली द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन both on the mass of the former object and its velocity. Obviously, देखा mass और velocity पे ही क्या है depend करता है. This means that the effect of the force depend on property related to both mass and velocity of the striking object. Mass और velocity पे depend करता है. This property was termed momentum by Newton. और इस property को Newton ने क्या बोला है, momentum कहा, ठीक है। तो momentum क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से और जानेंगे। मोमेंटम हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो मोमेंटम होता है उसको परिणाम होता है ना, कुछ उसका परिणाम निकलता है और उसमें डायरेक्शन होता है, विदाउट डायरेक्शन मोमेंटम काम नहीं करता है, जिस तरह वेलोसिटी काम करता है सेम एग्जैक्टली डायरेक्शन काम मोमेंटम भी काम करता है, द डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, है ना। इन एसआई सिस्टम है ना द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड वाइल इन सीजीएस सिस्टम इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, याद रखना दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इफ एन अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट ऑल्सो कॉज अ चेंज इन मोमेंटम, अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड होगा किसी ऑब्जेक्ट पर देन इट इज वेलोसिटी ऑल्सो चेंज एंड देन इज ऑल्सो कॉज अ चेंज इन मोमेंटम, फिर जो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। The force necessary to cause a change in momentum of an object depend upon the rate of change of momentum. Obviously क्या होता है कि जो भी the force लगता है बाहरी momentum change करने के लिए वो किस पे object पे depend करता है, momentum के object पे depend करता है कि कितने speed में वो है, ठीक है। अब देखेंगे कि momentum को कैसे term किया जाता है, ठीक है। Momentum is डिस्क्राइब एज अ पी, है ना, पी से हम डिस्क्राइब करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मोमेंटम आपको निकालने बोलेगा तो आपको मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है और आपका मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला इज मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, ओके।
मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए तो उसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है. मोमेंटम में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, क्या होता है? द सपोज एन ऑब्जेक्ट मास m has an initial velocity u, है ना, initial velocity क्या है, u है, a mass का है, m है. When a force is applied in the direction of its velocity for a time t, its velocity becomes v. तो velocity क्या होगी? v. तो inertial क्या होगा? momentum mu, and final momentum क्या होगा? mv, है ना. तो rate of changes of momentum कैसे निकालेंगे? तो changes in momentum upon time, और changes of momentum कैसे निकलेगा? हाँ, minus कैसे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये हो गया हमारा चेंज निकालने के लिए. ठीक है, तो एम कॉमन क्या कि हमने कॉमन ले लिए, एम माइनस वी माइनस यू अपॉन टी. तो आपको फॉर्मूला पता है कि एम यू माइनस v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सिलरेशन का फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो हम लोग एक्सिलरेशन का फॉर्मूला तो a लिख सकते हैं, तो m इंटू ए भी हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम, तो m इंटू ए एक्सिलरेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेस, है ना, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेस होता है मोमेंटम रेट. ठीक है, जैसे एम ए अल्फा है प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, तो F इज इक्वल टू के इंटू एम ए. क्या होता है? K इज यहाँ पे होता है प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, एंड वैल्यूज की क्या थी? 1, तो 1 की वैल्यू कोई होती नहीं, इसलिए आता है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट मासेज विच आर इनिशियली एट रेस्ट. कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उसकी मास जो अलग अलग है और वो इनिशियल रेस्ट में क्या है? रेस्ट में. द इनिशियल मोमेंटम फॉर बोथ इज जीरो, तो दोनों के इनिशियल मोमेंटम क्या होंगे? जीरो होंगे. सपोज फोर्स एफ एक्ट फॉर टाइम टी ऑन बोथ ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स है और टी टाइम उस पर काम कर रहे दोनों ऑब्जेक्ट पर, तो लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर देन द हैवियर ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली दोस्तों, दोनों ऑब्जेक्ट में जो हल्का होगा वो तेजी से क्या होगा? आगे जाएगा अदर देन हैवियर. ओके, हाउ एवर फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, हमसे ऊपर की जो फॉर्मूला मिला है उससे क्या पता चला कि from the above formula we know that the rate of change of momentum that is f in the both object is same, है ना, and the total changes in their momentum will also be the same, ft, that is ft. thus if the same force is applied on the different objects the change in momentum is the same. लेकिन क्या होगा? momentum सभी का एक ही होगा. ठीक है, in SI unit system the unit of force is newton. याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा ही यूनिट क्या है फोर्स की, तो फोर्स की ऐसा यूनिट ही न्यूटन होती है. न्यूटन्स द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन. ओके, तो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज अ डाइन. याद रखना दोस्तों, ये भी CGS में यूनिट क्या होता है फोर्स की? डाइन होती है. डाइन क्या होता है? डाइन द फोर्स नेसेसरी टू कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 cm per square इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 gram इज कॉल्ड 1 डाइन. ठीक है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 gram इंटू 1 cm per second square. ठीक है, ये आप लोग याद करके रख लेना, ये बहुत बार बच्चों को ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं. ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहां पे पूछा गया. यूज योर ब्रेन पावर. ओके, व्हाई इज देयर अ थिक बेड ऑफ सैंड फॉर हाई जंपर फॉर फॉल ऑन द आफ्टर हिज जंप. तो दोस्तों, आपने देखा होगा, आप भी खेले होंगे कि जब हम किसी हाई जंप के लिए हम करते हैं, तो जहाँ पे भी हम जंप करते हैं वहाँ पे हम लोग रेत की बहुत सारा मोटी चादर बना देते हैं वहाँ पे, है ना. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम किसी दौड़ने के लिए या जंप के लिए जाएंगे, तो वो जो बेड हम बनाएंगे, रेत बनाएंगे, उससे क्या होगा? हमें रिवर्स फेंकेगा. ठीक है, हमें चोट नहीं लगने देगा. ठीक है, बोलते ना हम लोग कापूस जैसा एकदम हल्का हो जाता है वो. ठीक है, जिसकी वजह से हमें चोट नहीं लगती है.
तो थर्ड लॉ इससे भी डिपेंड है, आप समझेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखें, वी हैव लर्न अबाउट फोर्स एंड इट इज इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने सीखा कि जो फोर्स होता है वो कैसे काम करता है ऑब्जेक्ट पे, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में। नाउ हम लोग देखेंगे, हाउ एवर इन नेचर फोर्स कैनॉट एक्ट अलोन। याद रखना दोस्तों, फोर्स अकेले काम नहीं करता है, ठीक है। फोर्स इज अ रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। हमेशा फोर्स एक रेसिप्रोकल काम करता है ना, अनुपातित काम करता है ये ऑब्जेक्ट के बीच में। फोर्स आज ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, हमेशा जोड़ी में काम करता है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द लेटर ऑब्जेक्ट ऑल्सो साइमल्टेनियसली अप्लाई अ फोर्स ऑन द फॉर्मर ऑब्जेक्ट। सेम जिस तरह वो सामने वाला ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जो फोर्स होता है वो भी सामने अप्लाई करता है। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होता है। जब फोर्स लगता है तो उतना अपोजिट भी फोर्स लगता है। दिस आइडिया इज एक्सप्रेस इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही बात न्यूटन के थर्ड लॉ में बताई गई है। द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, है ना। जो फोर्स, जो पहला फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसे कहते हैं एक्शन फोर्स। और वाइल द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकेंड ऑब्जेक्ट, और दूसरी ऑब्जेक्ट से जब फोर्स लगता है, देन ऑब्जेक्ट द फर्स्ट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, तब उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसका कुछ आपको समझेगा, यहाँ पे डेफिनेशन है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत वो क्या करते हैं, फोर्स काम करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज होता है, जब कोई चीज फेंकते हैं तो वो उड़ के भी हमारे ऊपर आता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें यही लॉ का इस्तेमाल होता है, यही लॉ अप्लाई होता है वहां पे, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर टर्म दैट एक्सप्रेस फोर्स। एक्शन और रिएक्शन का क्या है, टर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम लोग इस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहां से फोर्स, फिर रिएक्शन फोर्स होता है। दिस फोर्स एक्ट इन पेयर्स, वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। और ये फोर्स हमेशा जोड़ियों में काम करता है, वो अकेले कभी काम नहीं करता है, ठीक है। जब हम किसी कीचड़ में, अगर हम एग्जाम्पल में कीचड़ में पत्थर मारेंगे, तो कीचड़ भी हमारे ऊपर उड़ के आएगा, है ना। जब वहां पे फोर्स हमने अप्लाई किया, तो वहां से फोर्स क्या हुआ, हमारे ऊपर उड़ के आया, है ना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दे डू नॉट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एंड हैंस कैनॉट कैंसल कैंसल इच अदर्स इफेक्ट। इसलिए क्या होता है, ये जो भी फोर्स लगता है, ये एक दूसरे के अलग अलग ऑब्जेक्ट में काम करता है, सेम ऑब्जेक्ट में काम नहीं करता, इसलिए वो कैंसल कैंसल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। फर्स्ट इज वाइल हिटिंग अ बॉल विद द बैट, द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीज, है ना। क्यों होता है ऐसा, स्पीड अ गन, हमेशा याद रखना, जब स्पीड से बॉल मारते हैं तो बैट की हमारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अ गन रिकॉल दैट इज मूव बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर, है ना। देखा ना आपने कि जब कोई बंदूक चलाता है तो आगे तब गोली मारता है, तो पीछे हम फेंक के जाते हैं ना, फेंक देते हैं, क्योंकि क्या होता है, फोर्स पीछे उसे ढकेलता है। मैकेनिज्म, जो आगे जाता है वो पीछे भी ढकेलता है। मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग ऑफ रॉकेट, सेम रॉकेट में भी काम करता है, ठीक है। जो हम वो जो फायर लगाते हैं, जो इंजन होता है, जो वो नीचे की तरफ होता है ना, क्यों होता है, यही कारण है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही काम करता है, क्योंकि वो फोर्स होता है नीचे की तरफ ढकलता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट ऊपर जाता है ना, अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। नाउ वी विल हैव सेन दिस विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में अच्छे से हमने समझाया था, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है ये समझेंगे अच्छे से। सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज अ मास m1, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1। एंड ऑब्जेक्ट बी हैज अ मास 2 एंड द इनिशियल वेलोसिटी u2। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है और उसकी वेलोसिटी u2 है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए इज, फॉर्मूला क्या कहता है, m1 into u1, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, एंड दैट ऑफ बी के लिए होगा m2 इंटू u2। सपोज दिस टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, है ना, एक साथ आते हैं, देन लेट्स द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बी f1, जो भी फोर्स लगेगा क्या होगा, f1 होगा। दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन ए एंड इट इज अ वेलोसिटी विल बी v1, ठीक है।
तो क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिशन दोनों मिलने बाद क्या होगा, एम वन और वी वन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है, ए ऑल्सो एक्सर्ट अ इक्वल फोर्स ऑन बी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ए बी करता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के करता है बी के ऊपर, ठीक है। दिस विल कॉज अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी, और इस तरह क्या होता है उसका मोमेंटम चेंज होता है बी का। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज वी टू, अब दोनों जोड़ेंगे देखो क्या होता है कि द मोमेंटम ऑफ बी आफ्टर कोलिजन एम टू वी टू इफ एफ टू इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बी। जैसे एफ टू इक्वल टू माइनस एफ वन है ना, अपोजिट में होता है तो क्या होगा, अपोजिट होगा तो याद रखना दोस्तों माइनस साइन लगता है और निगेटिव में चले जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कंगारू, कंगारू जो होता है हमने सीखा, कंगारू जो है वो वर्टिकली जंप करता है ऊपर, तो नीचे से तो क्या फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो ऊपर से फिर नीचे आता है ना माइनस, तो ऊपर अपोजिट में लगेगा डायरेक्शन में, एक्चुअली है क्या ग्रेविटी नीचे खींचता है लेकिन अपोजिट में जा रहा हो ना ऊपर, तो ऊपर जाओगे तो क्या होगा माइनस आएगा, ठीक है। सो एम टू ए टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम वन ए वन, ओके दैट इज फोर्स इक्वल टू एम ए। अब इसको एक्सप्लेन किया गया एम टू इन टू क्या रखा गया, जो वी ए टू की वैल्यू है वो क्या होता है वी टू माइनस ए टू यू टू अपॉन टी, हमारा फॉर्मूला है ना, फाइनल वेलोसिटी अप माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि नहीं, यस yes. इसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आएगा, ओके okay, तो ये बहुत इजी है, आप सॉल्व करना। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम जो होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है, जो फाइनल मोमेंटम होता वही इनिशियल मोमेंटम होता है। दस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट देन देयर इज टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू देयर टोटल फाइनल मोमेंटम, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगे तो क्या होगा, दोनों का मोमेंटम आखिरी और पहला जो होता है मोमेंटम वही उतना ही रहता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये स्टेटमेंट जो है कोई भी नंबर के लिए ही क्या सत्य साबित हुआ है, ठीक है। When no external force act on the two interacting object, their total momentum remain constant. It does not change. वही तो बताया कि अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स पे, तो उनके बीच में जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, वो चेंज होता नहीं है, जो रहेगा वही रहेगा। This is a corollary to the Newton's third law of motion. The momentum is unchanged after the collision. और ये momentum कब change होता है, जब हम collision करते हैं, जोड़ते हैं इसको एक साथ लाते हैं तब। The momentum get redistributed between the colliding object. और उस समय क्या होता है, change होता है क्योंकि वो बढ़ जाता है, ठीक है momentum. The momentum of one of the object decrease while that of the other are increase. Obviously एक decrease होगा तो दूसरा increase होता है। Thus we can also state this collorially as follows. और हम लोग इसको देखेंगे, when two object collide the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Before and after क्या होगा, equally होता है, ठीक है। In order to understand this principle, इसको समझने के लिए हम क्या करें, let us consider the example of bullet fire, है ना, bullet fire का देखेंगे collision opposite होता है कि नहीं, bullet fire from the gun. When a bullet of mass M1 है ना, mass जो होता है bullet का M1 is a fire from gun of mass 2 है ना, its velocity become V1 and its momentum become M1 V1. Before firing the bullet, both the gun and the bullet are the rest. Obviously क्या होता है, जब bullet fire करने से पहले वो gun rest में होता है and hence the total initial momentum is zero, और momentum क्या होता है उसका, zero होता है। According to the above law, लॉ के हिसाब से देखें तो द टोटल फाइनल मोमेंटम आल्सो हैज टू बी जीरो, टोटल मोमेंटम भी क्या होगा, फाइनल भी जीरो होता है। दस द फॉरवर्ड मूविंग बुलेट कॉज द गन टू मूव बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग, और क्या बाद में क्या होता है, अगर हम आगे तरफ मारते हैं तो हम पीछे तरफ रिवर्स होते हैं। दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड इट्स रिकॉइल, क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड पीछे जाने को क्या बोलते हैं, जब गन से निकलते हैं हम पीछे जाते हैं बैकवर्ड मोशन में जाते हैं तब क्या बोलते हैं इसको, रिकॉइल कहते हैं। है द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल v2 इज सच दैट, कैसे होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो मोमेंटम, और v2 क्या होगा इक्वल टू माइनस m m1 अपॉन m2 इनटू v1 होता है, ठीक है।
एज द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट, है ना, जो मास जो है, मास जो बंदूक है वो जो बुलेट से ज़्यादा हैवी है, देन का द वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तब उसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा बुलेट से, ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड दैट ऑफ ए गन आर इक्वल एंड देयर डायरेक्शन आर अपोजिट. ऑब्वियसली क्या होता है फिर, डायरेक्शन उसका क्या होता है, अपोजिट हो जाता है. दस द टोटल मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, और वहाँ पे क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, कॉन्स्टेंट, जो जितना होगा उतना ही होगा. द टोटल मोमेंटम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ रॉकेट, और जब लॉन्च ऑफ रॉकेट होता है तभी भी वो सेम होता है, ठीक है. तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उसको एक दो हम समझेंगे, बाकी आप कर लीजिएगा. एग्जाम्पल्स हैं बहुत ईजी है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल में द मास ऑफ अ कैनन इज 500 grams है ना, 500 किलो का है कैनन. एंड रिकॉइल विथ स्पीड क्या है, रिकॉइल की 0.25 meters per second से जा रहा है, ठीक है, स्पीड. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 kg meters per second से आपका मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है. तो 125 kilos per second से वो जा रहा है, ठीक है, स्पीड इसकी पर मीटर. सेम इसी तरह सिंपल है, सम्स हैं, बहुत इजी है, ठीक है. आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको समझा करके वीडियो एक बना करके आपको दूंगा. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस तरह के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिले. थैंक यू.